फाइनेंस एंड टैक्स की अपडेट छूट ना जाए इसलिए फटाक से सब्सक्राइब कर दीजिए और बेल आइकन दबा दीजिए ताकि नोटिफिकेशन आती रहे। हेलो दोस्तों, क्या हाल है आप लोगों के। तो आज हम इस वीडियो के अंदर डिस्कस करने वाले हैं कि किस तरीके से आप अपने फूड लाइसेंस को, FSSAI लाइसेंस को किस तरीके से आप रिन्यू कर सकते हैं। तो उसी के बारे में आज हम डिस्कस करेंगे इस वीडियो के बारे में। आज हम इस वीडियो के बारे में जो डिस्कस करेंगे वो करेंगे सिर्फ कुछ जो स्टेट है फॉस्कॉस के अंदर जो कवर हो रही है, तमिलनाडु, गुजरात, गोवा, दिल्ली, उड़ीसा, मणिपुर, चंडीगढ़, पुडुचेरी एंड लद्दाख, उसके बारे में इस वीडियो के अंदर डिस्कस करेंगे। लेकिन अगर आपको जानना है कि बाकी की स्टेट्स का कैसे रिन्यू करना है तो आप आई बटन पर क्लिक कर सकते हैं और उस वीडियो को देख सकते हैं। उसके अंदर आप देख सकते हैं किस तरीके से आपको रिन्यू करना है। तो अभी इस वीडियो के अंदर किस तरीके से रिन्यू करना है आइए समझते हैं। आपको क्या करना है, आपको उस फॉस्कोस वाली जो साइट है उस पर चले जाना है। सबसे पहले तो आपको जाने के बाद तो आपके पास जो आपकी पुरानी जो साइट थी, आपको पता है जैसे वो पुरानी जो साइट थी उसके अंदर जो आपका लॉगिन आईडी एंड पासवर्ड था, जो FLRS वाली जो सिस्टम था उसके अंदर लॉगिन आईडी जो पासवर्ड था उससे आपको लॉगिन करना पड़ेगा। किस तरीके से करना है, लॉगिन बिजनेस में आ जाइए। यहाँ पे आने के बाद आपको क्या करना है, यहाँ पर आपको अपना यूज़र आईडी और पासवर्ड डाल देना है। ये डालने के बाद आप देखेंगे आपका जो रिन्यूअल है, आप यहाँ पे आ जाइए अप्लाई फॉर रिन्यूअल के अंदर। रिन्यूअल में जाकर आप देखेंगे जो भी आपके लाइसेंस रिन्यूअल के लिए डी होंगे वो आपको यहाँ पे शो करने लग जाएंगे, जो भी आपके लाइसेंस रिन्यूअल के होंगे। तो आपको क्या करना है, यहाँ पर आप देखेंगे आपका जो लाइसेंस है उसको आपको प्रोसीड कर देना है। प्रोसीड यहाँ पर जैसे आप करेंगे तो वो पूछेगा कि आर यू श्योर यू वॉन्ट टू अप्लाई, तो आपको ओके कर देना है। उसके बाद जो आपका डिटेल है वो यहाँ पर आ जाएगी, जो भी आपने पहले भरा हुआ था। अगर कुछ चेंज है तो आपको अकॉर्डिंगली वो चीज़ लगानी है। लेकिन अगर मान लीजिए कुछ भी चेंज नहीं है आपका तो आपको कोई डिटेल नहीं लगानी है। मान लीजिए कुछ भी अगर आपको आपका एड्रेस चेंज है तो आपको रेंट एग्रीमेंट या इलेक्ट्रिसिटी बिल लगाना पड़ेगा या कुछ भी आपका जो डॉक्यूमेंटेड प्रूफ है वो सारी चीज़ लगानी पड़ेगी। लेकिन अगर कोई चीज़ चेंज नहीं है तो आपको कोई डॉक्यूमेंट लगाने की जरूरत नहीं है। अगर हम यहाँ पे देखें इसके अंदर, ये देखिए लिखा हुआ है अगर आपका रजिस्ट्रेशन, अगर बेसिक रजिस्ट्रेशन है तो आपको सिर्फ जो चेंज है डॉक्यूमेंट्स के अंदर वो लगाने की ज़रूरत है। और अगर आपका लाइसेंस है जैसे स्टेट लाइसेंस ही या फिर आपका आपका सेंट्रल लाइसेंस है तो ये चार चीज़ें हैं जो आपको लगाने की ज़रूरत है। तो ये डॉक्यूमेंट भी मैं आपको डिस्क्रिप्शन में दे दूंगा, आप ये जाके देख सकते हैं और उसको रीड कर सकते हैं। तो उसके अंदर क्या है, अभी हमारा जो बेसिक लाइसेंस है और कोई भी चेंज नहीं है, वो कुछ भी चेंज नहीं है, तो आपको अकॉर्डिंगली यहाँ पर हमें देखना है। और यहाँ पर आप देखेंगे कितने साल के लिए आपको अप्लाई करना है, वो अकॉर्डिंगली आप यहाँ पर चूज़ कर सकते हैं। ये करने के बाद आपको क्या करना है, आपको यहाँ पे सेव एंड नेक्स्ट करना है। कुछ चीज एरर रह गई है, यहाँ पे कॉन्टैक्ट पर्सन का नाम डाल देते हैं हम। सेव एंड नेक्स्ट, उसके बाद जो पहले की चीजें डली हुई है वो सारी चीजें आ जाएगी। आपको यहाँ पर आईवी डिक्लेयर करना है, SBI का पे, यहाँ पर आप चालान के थ्रू पे करना चाहते हैं चालान के थ्रू, अगर ई पेमेंट करना चाहते हैं तो आप इसे सेलेक्ट कर सकते हैं। यहाँ पर आप पे का बटन दबाएंगे, जैसे पे का बटन दबाएंगे आप देखेंगे यहाँ पर आपके पास पेमेंट के लिए ऑप्शन आ जाएगा। आप यहाँ पे जब इसको पेमेंट कर देंगे, प्रोसेस कर देंगे, तो आपका जो लाइसेंस है वो रिन्यूअल के लिए प्रोसेस हो जाएगा। तो आपको बस ये स्टेप करना है, यहाँ पर इतना सा छोटा सा स्टेप करना है। आई होप आपको इस वीडियो के अंदर समझ में आया किस तरीके से आपको अप्लाई करना है। बाकी मैं दोबारा आपको बता देता हूँ, अगर मान लीजिए आपका इन स्टेट के अंदर फॉल नहीं करता, जो भी हमने डिस्कस करी है जो 7-8 स्टेट के लिए जो ये फॉस्कॉस एप्लीकेबल है उसके अंदर अगर फॉल नहीं करता तो आप, मैंने आई बटन के अंदर आपको लिंक दिया हुआ है, आप उसके अंदर जाके देख सकते हैं किस तरीके से आपको रिन्यू करना है। अदर स्टेट्स के लिए जैसे UP हो गया, बिहार हो गया या कोई भी अदर स्टेट हो गई, आपको वहाँ जाके आप देखेंगे तो आपको मिल जाएगा, आपको उस तरीके से अप्लाई करना है। अगर आपकी इन स्टेट्स के अंदर फॉल करता है, जो भी हमने डिस्कस करा, दिल्ली, मणिपुर, गुजरात, इन सारी स्टेट्स के अंदर फॉल करता है तो आपको फॉस्कॉस के अंदर जाना पड़ेगा। तो कुछ भी आपका डाउट है आप कमेंट सेक्शन में कमेंट करके पूछ सकते हैं। सर, थैंक यू सो मच।